जो युवक मिले ये मतदाता है, लेकिन इनका शिकायत ये है ना कि इन्होंने मतदान नहीं किया, इनके बदले किसी और ने मतदान कर दिया। अरमान अपनी आप ही खुद बताइए, अरमान जब आप जीतकर गए वोट देने तो क्या बताया गया आपको? मैं सुबह 7:30 बजे का लाइन पे लगा हुआ था और मैं जैसे ही गया तो फिर आते आते टाइम लग गया, 10:30 बजे तक अंदर गया मैं। वो तीनों चेक करके कह रहे हैं कि आप वोट डाल के जा चुके हो, जबकि मैं वोट नहीं डाला हूँ। आपके उंगली पर कहीं स्याही भी देख लेंगे, कहीं पे भी कुछ नहीं है, जबकि मैं 7:30 बजे का आया हूँ। तो आपने पूछा नहीं ईमानदार जो अधिकारी है कि भाई हमारा वोट? वो कह रहे हैं हम चेक करेंगे, आप ऐसा है 3 बजे तक आइए। अब बताओ, मैं सुबह भी परेशान हुआ और फिर इस चक्कर में अब मैं शाम तक फिर वेट करूँ, फिर आऊँ इनके पास। आप सुबह 7 बजे से लाइन पे लगे हुए? हाँ, 7:30 बजे से लाइन पे लगा हुआ था, 10:30 बजे मेरे को अंदर जाने मिला। इसका मतलब अंदर में लाइन 3 घंटे लगने पर रहे हैं मतदाताओं? हाँ, इतने लगे। अच्छा, 3 घंटे। तो अंदर की जैसी सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, वो आप अंदर चले गए जी, तो कैसा लगा? अंदर गया, काम बस वही थोड़ा ढीला हल्का चल रहा है, हाँ बहुत स्लो है, गर्मी भी बहुत है, बहुत स्लो, हाँ गर्मी भी बहुत है, अंदर कोई इंतजाम भी नहीं है, मैं कोई पंखे का कूलर का ये एयर कंडीशन लगा भी नहीं है। अब मेरे वोट डलना तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जब वोट नहीं डाला तो मेरा वोट कैसे ने डाल दिया? आप मेरा आधार कार्ड का लिंक चेक करो, मेरा सब कुछ चेक करो, तो डाला ही नहीं है। क्षेत्र के जो अधिकारी हैं यहाँ, जो एक तो मुखासीन अधिकारी होंगे या फिर जो और SDM है इलेक्शन डिपार्टमेंट में, जो आपने उनसे बात करा, उनको शिकायत करा? मैंने उनको बोला तो कह रहे सर आप देख लीजिएगा, फिर आ रही है 3 बजे के बाद। हाँ, 3 बजे के बाद तो दिख ही नहीं रहा है। आप बुलाओ SDM को, हम बोलते हैं आपको बुलाइए, आप एकदम दौड़े जा रहे हैं। एक समस्या है जो अरमान अभी बता रहे थे, जिनके कदाचार मुक्त चुनाव की बात हो रही है और इस तरीके की शिकायत जब निकलकर सामने आ रही है कि एक मतदाता घंटों तक अंदर खड़ा था, लाइन में लगा था 7:30 से लेकर अब तक, जब 10:30 बजे उसकी वोट देने की बारी आती है तो पता चलता है कि उसका बदले किसी और ने वोट दे दिया। और उससे भी बड़ी बात कि जो अधिकारी बैठे हैं वो जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है इस बात का, वो कह रहे हैं कि अब 3 बजे के बाद आइए। भला इस तपती गर्मी में अगर मतदाता घर से बाहर निकल रहा है तो वो मतदान करने निकल रहा है, अगर उसे वोट करने में कितना वक्त लगेगा और इतनी परेशानी को झेलना होगा तो कौन घर से बाहर निकलेगा? और दिल्ली में जहाँ मतदान हर बार प्रशासन दावा कर दिया कि बढ़ाएंगे, अगर यही रवैया रहा तो कैसे बढ़ाया जाएगा मतदान प्रतिशत? एक सोचने का विषय है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे ये अपील भी है और साथ ही इन लोगों की शिकायत भी है कि आप इस पर जवाबदेही तय करें कि आखिर अगर मतदाताओं को दिक्कत हो रही है तो वो किनके समक्ष जाए, किनसे बात करें, किनसे अपनी शिकायत करें ताकि इनके समस्याओं का समाधान हो सके। कैमरा पर्सन ब्रजेश के साथ रंजन अभिषेक, 10 न्यूज़ नेटवर्क, दिल्ली।